ये कहानी है दलित समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाले देश के पहले राजनेता की, स्वतंत्र और मुखर राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के 10वें राष्ट्रपति KR नारायण। स्वतंत्र भारत के अब तक के 10वें और पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण का पूरा नाम कोचरिल रमन नारायण था। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के त्रावणकोर के एक छोटे से गांव में हुआ था। KR नारायण के पिता भारतीय पद्धति के चिकित्सक व आयुर्वेद का गहराई से अध्ययन किया था। उन्हें इसकी अच्छी समझ थी, जिसकी वजह से सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। KR नारायण 7 भाई बहन थे, जिसमें वह चौथे नंबर के थे। इनकी एक बड़ी बहन गौरी होम्योपैथी की डॉक्टर थी। गरीब होने के बावजूद इनके पिता ने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। KR नारायण की प्रारंभिक शिक्षा 1927 को उजावूर के अवर प्राथमिक विद्यालय में हुई। उस समय आने जाने के लिए उचित साधन नहीं होता था, जिस वजह से शिक्षा के लिए उन्हें रोज 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। KR नारायण जी के पिता के पास इतनी राशि भी नहीं होती थी कि वे अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला के लिए शिक्षा सुख दे सकें, जिस वजह से बालक नारायण को हमेशा अपनी क्लास के बाहर खड़े होकर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। KR नारायण जी के पास किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वे अपने दोस्तों से किताबें लेकर नकल कर लेते थे। 1931 से 1935 तक KR नारायण ने आवर लेडी ऑफ लॉरेट स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। सन 1937 में KR नारायण जी ने सेंट मैरी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कॉलरशिप की मदद से KR नारायण जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कोट्टयम के CMS स्कूल से 1940 में पूरी की। 1943 में उन्होंने BA ऑनर्स MA इंग्लिश लिटरेचर त्रावणकोर विश्वविद्यालय से किया। वह पहले ऐसे दलित थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास में अपनी डिग्री पूरी की। 1944 से 1945 में KR नारायण जी ने द हिंदू एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार के रूप में कार्य किया। इस दौरान 10 अप्रैल 1945 को उन्होंने महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू भी लिया था। KR नारायण जी को हमेशा से विदेश जाकर पढ़ाई करने का मन था, किंतु आर्थिक स्थिति उनको इसकी इजाजत नहीं देती। स्कॉलरशिप का भी उस समय प्रबंध नहीं था, सो KR नारायण जी ने JRD टाटा को एक चिट्ठी लिखकर मदद मांगी। टाटा ने उनकी मदद की और वे राजनीति विज्ञान की शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। 1948 में वह भारत लौट आए। जब वह भारत पहुंचे तो उनके पास एक चिट्ठी थी जो उन्हें प्रधानमंत्री को देनी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के दफ्तर के चक्कर काटने शुरू किए, लेकिन पंडित नेहरू से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। एक दिन नेहरू जी के निजी सचिव ने उन्हें सलाह दी कि नेहरू से मुलाकात कब होगी यह तयशुदा तौर पर नहीं कहा जा सकता। वो ऐसा क्यों नहीं करते कि यह खत उन्हें दे दें, वो इसे प्रधानमंत्री तक पहुंचा देंगे। नौजवान इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। उसे पता था कि यह खत उसकी विदेश में मेहनत से की गई पढ़ाई का सबसे बड़ा हासिल है। इसे खो देने का मतलब है कि एक बेहतरीन करियर की चाबी खो देना। अतः वह थक हार कर नेहरू के आधिकारिक सचिव सेक्रेटरी AV Pai के पास पहुंच गए। यह तरकीब काम कर गई। उसे जल्द ही प्रधानमंत्री दफ्तर में नेहरू से मिलने बुलाया गया। नौजवान का नाम था KR नारायण। जिस प्रोफेसर का खत उसकी जेब में रखा था उनका नाम था हेराल्ड लस्की, इंग्लैंड के मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट। प्रोफेसर लस्की से अपने रिश्ते को याद करते हुए नारायण कहते हैं, मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने गया था। मेरी गणित बहुत अच्छी नहीं थी, मुझे समझ आ गया था कि यह मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इस बीच मैं प्रोफेसर हेराल्ड लस्की के क्लास में जाने लगा। प्रोफेसर लस्की की क्लास पब्लिक मीटिंग की तरह होती थी, कोई भी उनकी क्लास ले सकता था। बीच सत्र में मैंने उन्हें कहा कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम पहले प्रोफेसर रॉबिन से इजाजत लेकर आओ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं 2 साल की पढ़ाई 1 साल में कर पाऊंगा। मैंने उन्हें बताया कि मैं लंबे समय से उनके लेक्चर ले रहा हूँ, इस वजह से मुझे दिक्कत नहीं होगी। तब उन्होंने मुझे एक लेख लिखने के लिए कहा। मेरी लेख उन्हें पसंद आई और उन्होंने मुझे अपने विभाग में जगह दे दी। जब भी मैं प्रोफेसर लस्की के पास कोई लेख लिखकर जाता तो वो मुझे कुछ नया टॉपिक दे देते। ऐसी ही एक कवायद में उन्होंने मुझसे ब्रिटिश समाज की सहनशीलता पर लेख लिखने को कहा। मैंने इस विषय पर खूब पढ़ाई करके एक लेख लिखा। यह लेख प्रोफेसर लस्की को बहुत पसंद आया। इस तरह मैं उनका प्रिय छात्र बन गया। अब वापस नेहरू और नारायण की मुलाकात पर लौटते हैं। जब नारायण नेहरू के दफ्तर पहुंचे तो नेहरू अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारायण को गले से लगा लिया।
नेहरू से मिलने से पहले 28 साल के नारायण एक किस्म की झिझक महसूस कर रहे थे। नेहरू के इस बर्ताव से झिझक जाती रही। नारायण ने प्रोफेसर लस्की का खत उनके तरफ बढ़ा दिया। दो पैराग्राफ वाले इस खत को बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद नेहरू नारायण की तरफ मुखातिब हुए। नारायण याद करते हैं, नेहरू ने मुझसे कई सारे सवाल किए। वो मेरे राजनीतिक रुझान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं लंदन में रहने के दौरान स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में जाया करता था। उन्होंने पूछा, किस स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में? मैंने जवाब दिया कि वहाँ मेरा संबंध सोशल डेमोक्रेट से रहा है। मुझे लगता है कि उन्हें मेरा जवाब पसंद आया। नारायण नेहरू के दफ्तर से विदेश सेवा की अपनी नियुक्ति लेकर निकले। उनको विदेश सेवा की पहली नियुक्ति रंगून में मिली। नारायण की शादी की कहानी भी बड़ी रोचक है। साल था 1951। दिल्ली की दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से मास्टर्स की डिग्री कर चुकी है एक लड़की बर्मा के भारतीय दूतावास पहुंची। लड़की की जिज्ञासा थी कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर लस्की से पढ़कर आए नौजवान भारतीय डिप्लोमेट से समकालीन राजनीति के बारे में समझ कायम की जाए। दोनों लोग मिले और राजनीति से बात निजी पसंद और नापसंद तक पहुंच गई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गईं और प्यार हो गया। एक राजनयिक के तौर पर नारायण जानते थे कि देश का कानून उन्हें विदेशी महिला से शादी करने की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने इस मामले में पंडित नेहरू से दरख्वास्त की। नेहरू मान गए। इस तरह नेहरू की विशेष अनुमति से दोनों ने शादी कर ली। लड़की ने अपने लिए नया नाम चुना, उषा नारायण। 1978 में IFS के रूप में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद 1979 से 1980 तक वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके बाद 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1980 से 1984 तक अमेरिका का भारतीय एम्बेसडर बना दिया। इंदिरा जी के कहने पर 1984 में वे राजनीति में आ गए। एव लगातार 3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस की सीट से विजय होकर लोकसभा पहुंचे। 1985 में KR नारायण को राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। इन्होंने योजना, विज्ञान, विदेश से जुड़े मामले एवं तकनीकी से जुड़े कार्यों को संभाला। 1979 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी, तब KR नारायण जी ने एक विपक्षी सांसद के रूप में अपना कार्य देखते थे। किंतु जब 1951 में कांग्रेस वापस सत्ता में आई, तब नारायण जी को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के कार्यकाल में KR नारायण जी को 1992 में उपराष्ट्रपति बनाया गया। 25 जुलाई 1997 को KR नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने। 50 साल बाद गांधी का सपना आधा ही सही पर पूरा हुआ। 9 नवंबर 2005 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में उनका निधन निमोनिया बीमारी के कारण हो गया। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू के शांतिवन के बाजू में इनका समाधि स्थल बनाया गया, जिसे एकता स्थल कहते हैं। KR नारायण की सफलता की कहानी बहुत ही शानदार और आदर्श है। यूं तो एक दलित का राष्ट्रपति बनना किसी दंत कथा का नया संस्करण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक राजनीतिक बदलाव की एक कहानी है। माना जाता है कि KR नारायण को शीर्ष पद सौंपना दरअसल भारतीय नेतृत्व वर्ग द्वारा बदलते यथार्थ की स्वीकृति थी। साथ ही इसमें नारायण जी की खुद की मेहनत भी छुपी है। KR नारायण जी जिस समय राष्ट्रपति चुने गए, उस समय दलितों के उत्थान के लिए कार्य अपने चरम पर थे और मंडल आयोग जैसी समितियों ने दलित वर्ग के उत्थान के रास्ते खोल दिए। लेकिन हाँ, जो सफर KR नारायण जी ने तय किया, उसमें उनकी खुद की भी मेहनत छुपी है, जिसे नकारा नहीं जा सकता।